हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट में। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सशेल में कैंडल्स बनाना सिखाऊंगी। वैसे मोस्टली घर में एग्स बनते हैं, हम शेल फेंक देते हैं, उस शेल्स को यूटिलाइज करके हम उसमें कैंडल बनाएंगे वेस्ट क्रेयॉन्स और वैक्स कैंडल्स के थ्रू। तो चलिए मैं आपको वैक्स कैंडल बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए मैं आपको मटेरियल बताती हूँ कि कैसे कैसे हमें ये बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम बनाना। यहाँ मैंने सबसे पहले फ्रेग्रेंस वाली हम कैंडल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने फ्रेग्रेंस लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रोज फ्लेवर लिया है। आप मार्केट से अलग फ्लेवर्स भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये कैंडल्स में डालने वाले पाउडर है जिसे कैंडल्स कलरफुल बनती है, अगर ये पाउडर आपके पास नहीं है तो उस कलर का आप क्रेयॉन डाल सकते हैं। और ये मैंने एक्सशेल वाली कैंडल, हम सबके घर में एग बनते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था, हम ये वेस्ट कर देते हैं। यहाँ मैंने हल्का हल्का तोड़ के इसमें से एग निकाल लिया है और इसको अच्छे से गर्म पानी से क्लीन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा अंदर से भी क्लीन है। यहाँ मैंने ये पैराफिन वैक्स ली है। ये वैक्स आपको ऐसे मार्केट में इजीली मिल जाएगी, और अगर आपके पास ये वैक्स नहीं है तो आप कोई भी मार्केट से नॉर्मल व्हाइट वैक्स कैंडल्स ले सकते हैं। उस कैंडल्स में आप कलरफुल क्रेयॉन्स डाल के इसे मेल्ट करेंगे तो ये कलरफुल वैक्स बन जाएगी। और इसके अंदर डालने के लिए ये वैक्स जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मोटा धागा ऐसे रोल करके, आपको ऐसे रब करके उसको रोल करना है, और ये जो कैंडल आप पिघलाएंगे उसके अंदर वो थ्रेड डाल के निकाल लेनी है, वो भी आपका विक का काम करेगा। तो चलिए अब हम ये बनाते हैं। सबसे पहले इस कैंडल, ये वैक्स को हम मेल्ट करेंगे थोड़ा सा कलर डाल के। माइक्रोवेव में करना चाहते हैं तो आप माइक्रोवेव में अराउंड 1 मिनट इसे गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। और जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है तो प्लीज वो ध्यान से सुने, कभी भी आप गैस पे अगर वैक्स मेल्ट कर रहे हैं तो गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें, हाई फ्लेम पे वैक्स में आग भी लग सकती है। तो प्लीज ध्यान से लो फ्लेम पे आप गैस पे मेल्ट करें, और बच्चे अगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज अपने गार्जियन के सुपरविजन में ही बनाएं। तो चलिए मैं इसको मेल्ट करके लेकर आती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं वैक्स मेल्ट करके लेके आई हूँ। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है पानी की तरह। इसमें फ्रेग्रेंस के लिए जस्ट 1 ड्रॉप, हम अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आप ड्रॉपर की हेल्प से डाल सकते हैं। मेरे पास ये, मैं 1 ड्रॉप इसमें डाल दिया मैंने फ्रेग्रेंस के लिए। अगर ये कैंडल जलेगी तो इसमें बहुत खुशबू आएगी और पूरा रूम को फ्रेश भी कर देगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर मिक्स करेंगे हम, बिल्कुल जरा सा, 1 पिंच अराउंड। इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे ताकि पूरा कलरफुल हो जाए। ये आप देख सकते हैं थोड़े के से ही कलर से ये काफी अच्छा मिक्स हो गया है। अब मैं आपको इसको शेल में भरना बताती हूँ। ये मेरी एग ट्रे है, इसे काफी सारा वैक्स लग गया है इसलिए थोड़ा ये डर्टी हो गया है, बट इसको गर्म पानी से धोएंगे तो ये सारा निकल जाएगा। यहाँ मैंने ये एग शेल ले लिया है, इसको मैं स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा भरूंगी। अगर ये बाहर गिर भी रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग शेल तो हम तोड़ेंगे ही। इसमें इसके बाद हम विक्स सेट करेंगे। कुछ लोग पहले ही विक्स सेट कर लेते हैं, अपने अपना करने का तरीका है। मैं इसे थोड़ा बाद में विक्स सेट करूंगी, क्योंकि विक्स सेट करने के बाद हमें फिलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ये पूरा फिल कर दिया है, ये आप देख सकते हैं पूरा फिल हो चुका है ये। अब मैं इसके बाद इसमें ये विक डाल रही हूँ। यहाँ मैंने इसमें ये विक सेट करके दोनों तरफ से इसको सपोर्ट दे दिया है। अब इसे आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अराउंड 2 से 3 घंटे, और अगर आप फ्रिज में इसको सेट कर रहे हैं तो 45 मिनट तक सेट करेंगे। तो अब हम इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखने जा रहे हैं। मैंने 45 मिनट तक इसे फ्रिज में रखा था, ये सेट हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा ये नीचे भी जा चुका है, यानी ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर वाले शेल को आराम से तोड़ के निकालेंगे। जब ये सेट हो जाएगा तो ये आराम से उतर जाएगा। ये देखिए मैं इसको आराम से निकाल ले रही हूँ,
और आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसका आया है। इसमें आप कलरफुल जैसे अलग कलर के वैक्स बनाना चाहते हैं तो आप अलग कलर से भी बना सकते हैं, और अगर आपके बहुत सारे छोटे छोटे वैक्स हैं तो एक आप कलरफुल भी बना सकते हैं जो एक अपना ही यूनिक कलर देगा। ये देखिए, ये हमारा कैंडल रेडी है। ये देखिए, इसकी विक बहुत बड़ी है, अगर आप इसे कट करना चाहते हैं सीजर की हेल्प से कट कर सकते हैं। देखिए, मैंने ऐसे और भी बनाए हैं, मैं वो आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको और भी तरह की कैंडल्स देखने को दिखाती हूँ। ये हमने बनाई और थोड़ा सा लाइट कलर में, ये अभी हमने बनाया है थोड़ा सा डार्क कलर में, और ये जो बची हुई वैक्स थी मेरे पास इसमें मैंने और भी कलर मिक्स करके, जैसे डार्क ग्रीन कलर का क्रियॉन्स मेरे पास बचा हुआ था उसको मिक्स करके मैंने आइस ट्रे में बनाया है और ये छोटी कटोरी में सेट किया है। हमारी किचन में ही बहुत सारी चीजें हैं क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी किचन में से ही बहुत कुछ बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस प्लेट को थोड़ा और डेकोरेट करती हूँ। ये देखिए, सनफ्लावर्स के साथ इसे डेकोरेट करना, और अपने डाइनिंग टेबल पे या फिर आप डिनर लाइट कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं तो उस टेबल पे, या फिर रूम फ्रेशनर के तौर पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे आप घर में बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई स्कूल से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलता है, या फिर आपको किसी भी चीज की हेल्प हो, या अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो की या फिर किसी और टॉपिक की वीडियो पे नीड है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी रिक्वेस्ट को जरूर सुनेंगे और पूरा करेंगे। तो चलिए मैं इस कैंडल को जला के दिखाती हूँ कि ये जलता भी है कि नहीं। ये देखिए, हमारी कैंडल कितनी अच्छी लाइट दे रहे हैं, और इसे हम रूम डेकोरेट करेंगे तो ये और भी सुंदर और फ्रेग्रेंस के साथ कैंडल्स बर्न होगी। तो इसे आप अपने घर में ट्राई करिए। इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड एनी अदर पीपल्स।